अक्सर ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें नमक तो है ही, लेकिन उसके साथ हम दही भी ले रहे हैं या दूध भी ले रहे हैं। इसमें सावधानी रखिए, आज जो नमक हम खा रहे हैं बाजार से खरीदा हुआ, ये नमक है समुद्र के पानी से बना हुआ। ज्यादा से ज्यादा नमक जो हमें आज खाने को मिल रहा है सामान्य रूप से, वो समुद्र के पानी से बना हुआ नमक है। आयुर्वेद में ये नमक सबसे घटिया माना जाता है, क्वालिटी में सबसे खराब नमक अगर कोई होता है तो वो यही नमक है जिसको हम समुद्र के पानी से बना हुआ नमक कहते हैं। और सबसे अच्छा नमक जो माना जाता है वो भगवान का बनाया हुआ, ईश्वर का बनाया हुआ या प्रकृति का बनाया हुआ नमक है, जिसको हम सब सेंधा नमक कहते हैं या काला नमक। सेंधा नमक और काला नमक आदमी ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। पहाड़ बनते हैं नमक के, जैसे पत्थर के पहाड़ बनते हैं वैसे नमक के पहाड़। तो प्रकृति की क्रिया में जो बन रही है चीज, उसकी क्वालिटी में कोई शक नहीं होता, क्योंकि प्रकृति और ईश्वर का जो सारा कुछ सम्मिलन है दुनिया में एकदम परफेक्ट है, उसमें गलती होने का चांस नहीं। आदमी जो बनाता है ये सभी फसाद की जड़। आदमी ने सोचा तो ये है कि मैं बहुत अकल वाला हो गया, 21वीं शताब्दी में पहुंच गया, मैंने इतना विज्ञान सीख लिया, मैंने इतनी टेक्नोलॉजी सीख ली, लेकिन वो प्रकृति को एक रंज मात्र अभी तक स्पर्श नहीं कर पाया। भले बहुत टेक्नोलॉजी सीखी है, बहुत विज्ञान आ गया, प्रकृति की बनाई हुई चीज की जो गुणवत्ता है वो किसी दूसरी चीज में नहीं है। मैं नमक का ही आपको कंपेरिजन करके बता दूँ, प्रकृति का बनाया हुआ ये जो सीधा नमक है या काला नमक है, ये आपके शरीर को 94 तरीके के पोषण देता है, 94। मैं आपको और सरल तरीके से समझाऊं, कोई चीज आपने खाई और मैंने आपको कहा या आपने जान लिया कि मुझे इसको खाने से कैल्शियम मिला, ये कैल्शियम एक तरह का पोषण है। कोई चीज आपने खाई जैसे अनार का रस पिया, इससे आपके खून में हीमोग्लोबिन बढ़ा, आयरन बढ़ा, तो ये एक तरह का पोषण है, एक ही तरह का। कैल्शियम बढ़ गया शरीर में कुछ खाने से, आयरन बढ़ गया शरीर में कुछ खाने से, फास्फोरस बढ़ गया शरीर में कुछ खाने से, एक एक तरह का पोषण है। सेंधा नमक ऐसे 94 पोषण देता है, एक एक तरह की बात किया, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस। सेंधा नमक में ऐसे 94 पोषक तत्व है जो शरीर के लिए है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है काला नमक। अब ये दोनों प्रकृति के बनाए हुए हैं, पहाड़ में से आते हैं, आप सभी जानते हैं नमक के पहाड़ होते हैं जैसे पत्थर के पहाड़। तो पहाड़ वाला जो नमक है, पत्थर वाला जो नमक है, ये 94 तरह के पोषण देता है, और समुद्र के पानी वाला जो नमक है ये 3 तरह के पोषण देता है। अब आप देखिए, 3 तरह के पोषण देने वाला नमक, 94 तरह के पोषण देने वाला नमक, दोनों में से किसकी क्वालिटी? 94 पोषण जो दे रहा, सीधी सी बात है। तो आप नमक खा सकते हैं जो प्रकृति का बनाया हुआ है, वो सेंधा और काला, मतलब आज से सेंधा और काला नमक खाइए। अब मैं आयुर्वेद की एक जानकारी आपको देता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। आयुर्वेद में ये कहा गया, अष्टांग हृदय में ये है कि जैसे ही दूध के साथ नमक लेना शुरू करें या दही के साथ नमक लेना शुरू करें, तो ये जो नमक मैंने बोला समुद्र के पानी का, ये पूरी तरह से वर्जित है। दूध के साथ भी नहीं ले सकते, दही के साथ भी नहीं ले सकते। जैसे ही नमक बदलते हैं आप दूध और दही के साथ, तो सेंधा नमक और काला नमक जरूर ले सकते हैं, इतना अंतर आ जाता है। अभी अगर समुद्र के पानी के बने हुए नमक के साथ दूध पिएंगे, 20 बीमारियां आपको आएंगी। समुद्र के पानी के नमक के साथ अगर आप दही खाएंगे, 20 बीमारियों में फंस जाएंगे। लेकिन वही दही और दूध सेंधा नमक के साथ और काले नमक के साथ खाएंगे, जीवन भर आप निरोगी रहेंगे, इतना अंतर है। अब आप इसको अप्स डाउन में देख सकते हैं, जमीन आसमान का अंतर कहा जाता है इसी को, एक इस तरफ है, एक इस तरफ।
वही नमक जो समुद्र के पानी से आया तकलीफ दे रहा है, और वही नमक जो भगवान का बनाया हुआ है वो आपके लिए अमृत तुल्य है। तो ये जो नियम मैंने विरोधी वस्तुओं का बताया, तो इसमें अगर आप दही नमक खाना चाहते हैं तो दही में सेंधा नमक ही या काला नमक ही होना चाहिए, और दूध के साथ नमक की कोई वस्तु लेना चाहते हैं तो वो सेंधा नमक और काले नमक वाली ही होनी चाहिए। ये समुद्र के पानी के नमक की वस्तु दही के साथ नहीं ले सकते। मैंने एक बार प्रयोग करके देखा, दही लिया, दही को लेंस से आप देखो तो उसमें बहुत तरह के जीवाणु, बहुत तरह के बैक्टीरिया, और वो शरीर के लिए अनुकूल है, बहुत अनुकूल है। अगर वो जाते हैं शरीर में तो बहुत सारी शरीर की जरूरत को पूरा करते हैं। अब जैसे ही दही में आप देखेंगे बहुत सारे जीवाणु हैं, उस दही में ये समुद्र के पानी का बनाया हुआ नमक एक चुटकी डाल लीजिए, एक मिनट में सब जीवाणु मर जाए, हजारों लाखों करोड़ एक मिनट में मर जाए। अब आपने दही ले लिया और उसमें समुद्र के पानी का नमक मिला दिया, जीवाणु मर गए, तो एक तो जीव हिंसा कर दिया आपने, पाप लगा उसका, जीव हिंसा कर दिया, और दूसरा आपने वो दही खाया जिसमें समुद्र का नमक मिलाया हुआ है, वो शरीर के काम का नहीं, उपयोगी नहीं। उसी दही में मैंने फिर दूसरा प्रयोग करके देखा कि वही दही है, उसमें लाखों करोड़ों जीव राशि है, जीवाणु है, उसी में सेंधा नमक डाला, एक भी जीव नहीं मरा, एक भी जीव नहीं मरा। माने जीव दया भी हो गई मेरी, जीव हिंसा में भी मुझे नहीं जाना पड़ा, पाप का भागी भी नहीं बनना पड़ा, और शरीर के लिए भी उपयोगी। तो माता है, मैंने इसको विशेष ध्यान से सुने कि दही में अगर रायता बना रही है तो नमक डालना हो तो काला ही नमक या सेंधा ही नमक डालना, ये समुद्र के पानी वाला नमक मत डालना। और मेरी तो एक छोटी सी विनती आप मान लीजिए तो बहुत ही अच्छा है, घर में लाना ही नहीं ये समुद्र के पानी का नमक, लाना ही नहीं ये समुद्र के पानी का नमक। इंडस्ट्रियल यूज के लिए तो ठीक है, औद्योगिक उसका उपयोग होता है, भारत में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें नमक लगता है, जैसे आइस इंडस्ट्री है ना, बर्फ बनाने वाले जितने कारखाने हैं सबको नमक चाहिए, ऐसे बहुत उद्योग हैं जिनमें नमक लगता है। तो उन उद्योगों के लिए रहने दो इसको, समुद्र वाले नमक को जीवन में खान पान में इसको मतलब। और मैंने भारत का थोड़ा इतिहास पढ़ा है तो मैंने ये जाना और उसके दस्तावेज भी देखे है, 1930 के पहले तक, सन 1930 के पहले तक इस भारत में एक भी व्यक्ति समुद्र के पानी का नमक नहीं खाता था, एक भी व्यक्ति। खाने में नमक जो इस्तेमाल होता था वो सेंधा या काला। और राजस्थान के कुछ इलाकों में झीलें हैं, प्रकृति की बनाई हुई झीलें, जैसे सांभर, एक बड़ी झील का नाम है सांभर, सांभर झील का नमक भी भगवान का बनाया हुआ, वो झील भी भगवान की बनाई हुई है, प्रकृति की बनाई हुई, वो झील मनुष्य ने नहीं बनाई, वो प्रकृति से बनी है, उस झील में से तैयार हुआ नमक भी प्राकृतिक नमक माना जाता है। तो ज्यादा लोग इस्तेमाल करते रहे हैं सांभर झील का नमक, सेंधा नमक और काला नमक 1930 के पहले तक। 1930 में महात्मा गांधी ने जब से नमक सत्याग्रह किया उसके बाद से ये समुद्र का नमक चलन में आया और लोगों ने उसको खाने में भी डाल दिया। 1947 में क्या हुआ, दुर्भाग्य से हमारे देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। अब सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कहिए, नमक के सारे पहाड़ पाकिस्तान के हिस्से में आ गए, नमक के सारे पहाड़ पाकिस्तान के हिस्से में आ गए। पाकिस्तान में दो जिले हैं, एक का नाम लाहौर और एक का नाम कराची, उसके आसपास सारे पहाड़ ज्यादा से ज्यादा नमक के पहाड़। तो हमारी मजबूरी ये हो गई कि पाकिस्तान से नमक आए तो हम खाएं, सेंधा नमक, काला नमक ज्यादा उसी इलाके में आया, बंटवारा कुछ इस तरह का हुआ कि नमक के पहाड़ उस तरफ चले गए। तो बहुत दिन तक ये नमक आता नहीं था पाकिस्तान से, तो लोगों की मजबूरी हो गई।
क्योंकि बहुत दिन तक भारत और पाकिस्तान की ऐसी दुश्मनी रही है। आप जानते हैं आजादी मिलते ही पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था कश्मीर छीनने के लिए, तो वो दुश्मनी ऐसी थी उन दिनों में कि बहुत साल तक तो आ नहीं पाया, तो लोगों की मजबूरी हो गई कि भाई क्या करें। तो फिर लोगों ने ये मजबूरी में समुद्र का नमक खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे समुद्र का नमक बनना बढ़ता चला गया। इंडस्ट्रियल यूज के साथ वो घर में भी आने लगा। और मैं आपको विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि उसी समय से ब्लड प्रेशर भी हमारे यहाँ घुस गया। ये जो आजकल आपने सुना है ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया हाई हो गया हाई हो गया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत के लोगों को हाई ब्लड प्रेशर कब से आया। भारत के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर उस दिन से आया जिस दिन से हमने समुद्र के पानी का नमक खाया। वरना प्रकृति के बनाए हुए नमक का अगर हम इस्तेमाल करते रहे, आज भी करें आगे भी करते रहे, तो मैं आपको पूरी विनम्रता से इस बात की गारंटी देना चाहता हूं आपका ब्लड प्रेशर अपने आप निकल जाए। आप नमक बदल दीजिए, जो आप समुद्र के पानी का नमक ला रहे हैं इसको बदल दीजिए, सेंधा नमक लाना और काला नमक लाना शुरू कर दीजिए, आपका बीपी अपने आप कम हो जाएगा और बिल्कुल निकल जाएगा शरीर से बिना किसी दवा के। और आप जानते हैं कि आजकल हमारे जीवन में हाई ब्लड प्रेशर इतनी खतरनाक बीमारी की स्थिति में है कि ये शुरू हो जाए तो दुनिया जहान की कोई भी बीमारी आए, ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर हाई हुआ कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर हाई हुआ खून गाढ़ा होता जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हुआ किडनी डैमेज कर देगा, ब्लड प्रेशर क्या नहीं कर देगा। ये सबसे खराब है, रूट कॉज में ब्लड प्रेशर है बहुत सारी बीमारियों का। ब्लड प्रेशर हाई हुआ डायबिटीज ला देगा, ब्लड प्रेशर हाई हुआ शुगर बढ़ा देगा, सब कुछ करेगा। ब्लड प्रेशर हुआ आंख आपकी खराब कर, ये भाई को आपने देखा ना जिसकी आंख खराब है, इसकी एक आंख का प्रेशर बढ़ा हुआ है, यही तकलीफ है उसको। अगर दोनों आंख का प्रेशर एक साथ बढ़े तो इलाज करना बहुत आसान होता है दुनिया में, एक ही आंख का प्रेशर बढ़े और एक का कम हो तो वो इलाज ही नहीं कर सकता। इसलिए ये भाई जिसने आपसे कहानी सुनाई, ये हजारों लाखों रुपए खर्च करके पता नहीं कितने डॉक्टरों के चक्कर में अपना समय खराब करता रहा है, इसको एक सरल बात कोई बता देता जो आज इसको पता चलेगी, इसकी एक आंख का प्रेशर बहुत बढ़ गया था, एक आंख का प्रेशर बिल्कुल कम था या नॉर्मल था, इसको किसी ने बता दिया होता कि नमक बदल दो इसकी बीमारी यहां तक पहुंच गई। छोटा सा ज्ञान, नहीं होने का दुष्परिणाम और होने का फायदा। हमारे यहां सभी साधु संतों के मुंह से मैं ये सुनता रहता हूं, आप तो बार बार सुनते रहते हैं, अज्ञान सबसे बड़ा दुख है, अज्ञान में जाना दुनिया का सबसे बड़ा दुख है और ज्ञान में चले जाना दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। मैं भी मानता हूं इसको, मैं गरीबी को दुख नहीं मानता, बेरोजगारी को दुख नहीं मानता, गरीबी बेरोजगारी तो आने जाने वाली चीजें हैं और शायद ये गरीबी बेरोजगारी तब तक है जब तक मेरे पास ज्ञान नहीं है। जिस दिन मुझे कुछ ज्ञान मिला मैं मेरी गरीबी भी दूर कर सकता हूँ, बेकारी भी दूर कर सकता हूँ। इसलिए बीमारियां हमारे शरीर में है और उनका दुख है वो भी अज्ञान का ही कारण है। जैसे ही ज्ञान में आप जाएंगे आप खुद बीमारियां ठीक कर लेंगे, डॉक्टर के चक्कर में फंसने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये छोटा सा ज्ञान कि हम नमक बदल दें तो जिंदगी में कितना बड़ा सुख, ये इस भाई को पता है जिसकी आंख इस स्थिति में आई है। तो आपने देख नमक बदल देता है, ये साल भर पहले या डेढ़ साल पहले जैसे ही इसकी आंख में प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, ये पहले डॉक्टर के पास जहां गया वो इसको बता सकता था कि भाई तेरी एक आंख का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ब्लड प्रेशर दूसरी आंख का कम है या बहुत कम है, अब तू क्या कर रही, बस इतना करके नमक बदल दे, सरल बात,
साधारण बात है, नमक बदलते ही प्रेशर नॉर्मल होता, आंख इस स्थिति में पहुंचती। नहीं कहा, नहीं बताया, शायद जानबूझ के नहीं बताया या अनजाने में, दोनों ही बातें हो सकती है। हो सकता है उस डॉक्टर को भी ज्ञान ना हो इस बात का, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उसको ज्ञान हो और जानबूझ के नहीं बताया, तो दोनों ही संभावनाएं हैं। तो मैं आपसे ये बात को ज्यादा जोर देके कह रहा हूं कि एक छोटी सी जानकारी ना होने का कितना बड़ा दुख है और होने का कितना बड़ा सुख है। आपको आज ये जानकारी हो गई कि समुद्र के पानी के नमक से शरीर को सिर्फ 3 पोषक तत्व मिलते हैं, पहाड़ के नमक का, पत्थर के नमक का 94 पोषक तत्वों का भंडार है वो, तो आप तुरंत उसमें शिफ्ट कर जाइए, अपने घर का नमक बदल दीजिए। नमक बदलते ही आप अपने ऊपर देखिए क्या क्या परिवर्तन आया। आप आ जाइए, सेंधा नमक खाना शुरू कर दीजिए, काला नमक जिस दिन खाना शुरू करें उस दिन बीपी नाप लीजिए, 2-3 महीने के बाद फिर नाप लीजिए, आपको लगेगा ये चमत्कार हो गया। सेंधा नमक खाने से या काला नमक खाने से एक दिन पहले आपका माइग्रेन, आपके शरीर में ये सब जितनी भी बीमारियां हैं उनको देख लीजिए ध्यान से, और खाना शुरू करिए फिर देखिए क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। नमक शरीर के लिए बहुत आवश्यक है आप जानते हैं, लेकिन सेंधा और काला ये समुद्र के पानी वाला नहीं। आपको और एक जानकारी दूं, शरीर में सेंधा और काले नमक से जो जो पोषकता मिलती है इसी की कमी होने पर पैरालिसिस आती है। हाँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, शरीर में सेंधा और काला नमक से जो पोषकता मिलती है उसी की कमी होने पर पैरालिसिस आता है। शरीर में काला और सेंधा नमक मिलने से जो पोषकता मिलती है उसी की कमी से ब्रेन हेमरेज भी होता है। मेरे गुरु जिनका नाम था श्री धर्मपाल, अभी वो स्वर्गवासी हैं, एक बार उनके शरीर में ऐसा हुआ, जो पोषकता मिलनी चाहिए थी नमक से, सेंधा और काला, वो कमी हुई, उनको पैरालिसिस का अटैक हो गया, उनकी आवाज चली गई, पूरी आवाज चली गई, वो कुछ बात ही नहीं कर सके, और मेरी आंखों के सामने मेरे गुरु का ऐसा हाल था। मैं क्या करूं, भयंकर अटैक था, बड़ा अटैक था पैरालिसिस का, हाथ पैर तो चले गए, आवाज भी चली गई, ब्रेन भी काफी इफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ। मैं उनको ले गया हॉस्पिटल में, एडमिट करवाया, हॉस्पिटल वालों ने हाथ उठा दिए, हमारे पास दवा नहीं, हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे गुरु के हाथ पांव बांध दिए, वो कहते हैं हमारे इलाज का तरीका यही है, एलोपैथी जिसको हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, उनके इलाज का तरीका कि पैरालिसिस पेशेंट का हाथ पर हिलता रहता है ना उसके कंट्रोल के बाद, तो उसको पकड़ने के लिए बांध दिए। अब मेरे गुरु छटपट आए परेशान, तो मैं उनको हॉस्पिटल से ले आया, और मेरे इस निर्णय की बहुत आलोचना हुई, मेरे सहयोगियों ने बहुत आलोचना की, आप क्या कर रहे हैं, मार डालेंगे, ऐसा हो जाएगा, इतने बड़े हॉस्पिटल में से निकाल के आप उनको घर ला रहे हैं। मैंने कहा इनके पास इलाज ही नहीं है, तो डॉक्टर अपने मुंह से कह रहा है मेरे पास इलाज नहीं है। राजीव भाई आप तो जानते हो होम्योपैथी, आप तो जानते हो आयुर्वेद, आप तो क्यों नहीं करते। तो हम निकाल लाए उनको, और मैंने कुछ नहीं किया, आपको जानकारी देना चाहता हूँ, और आज ये शायद मैं पब्लिकली बता रहा हूँ, मेरे गुरु के लिए कुछ नहीं किया, मैंने अंदाजा लगाया कि शायद इनके शरीर में नमक से मिलने वाली पोषकता की कमी है, इसके कारण ये अटैक आया हो। 99% केस में अटैक इसी कारण से आता भी है, तो शायद ऐसा हुआ हो, और मैंने ध्यान किया तो वो नमक वही खाते थे समुद्र के पानी वाला। तो मैंने उनको होम्योपैथी की एक ऐसी दवा चुनकर दी जो सेंधा नमक और काले नमक की पोषकता को बढ़ाने वाली, दवा की 3 खुराक में उनका पैरालिसिस ठीक हो गया। 3 खुराक, सवेरे एक खुराक दी, दोपहर को एक दी, शाम को एक खुराक दी, अगले दिन तो वो चलने लगे, जो पूरी तरह से बेड रिडन थे, बिस्तर पे थे, हाथ पैर बिल्कुल छूट गए, दिमाग और बॉडी का कनेक्शन टूट गया था, आवाज बिल्कुल चली गई थी, वॉइस पूरी तरह से लॉस हो गया था। सवेरे अगले दिन 3 दवा, 3 खुराक सुबह दोपहर शाम की लेके अगले दिन सवेरे मैंने देखा कि वो अपने से घिसटते घिसटते बाथरूम जा रहे, और 3 खुराक के बाद चौथी दी नहीं मैंने, 2 दिन के बाद उनकी आवाज वापस आई,
और 4-5 दिन में बॉडी के सारे फंक्शन नॉर्मल हुए, और 10 दिन के बाद जिसने भी उनको देखा वो यही कहता था, धर्मपाल जी मुझे नहीं लगता आपको कोई अटैक आया, जो भी देखे वो ये कि हमें नहीं लगता था कि कोई अटैक आया, माने इतनी नॉर्मल हो गई सारी कंडीशन। और जब उनकी बेटी उनको मिलने आई, वो जर्मनी में रहती है, तो वो खुद हैरान हो गई। फिर उसने पूछा क्या किया, मैंने कहा कुछ नहीं, होम्योपैथी की एक दवा दी थी, वो दवा का एक ही काम है कि नमक से जो पोषकता चाहिए शरीर को वो नमक नहीं दे पाया, या नमक नहीं खाने से वो पोषकता नहीं थी शरीर में, वो दवा मैंने दे दी, 3 खुराक में चमत्कार कर दिया। ऐसे ही होता है। तो हम जब कहते हैं ना दवा का चमत्कार है, दवा का चमत्कार क्या है, कुछ खास नहीं है, आपके शरीर में जो पोषकता में कमी आई और उसके कारण से जो तकलीफ में आप फंस गए, वो पोषकता किसी तरह से दे दो। अगर उस समय मैं उनको नमक का पानी उबाल के दे देता तो भी वो ठीक हो जाते। मैं दवा नहीं देता, सेंधा नमक लेके, काला नमक लेके पानी में डालता, पानी को उबालता और वो एक एक चम्मच पानी मिलाता तो भी ठीक हो जाते, लेकिन मुंह उनका खुलने की स्थिति में नहीं था तो पानी जाए कैसे, इसलिए दवा देनी, नहीं तो वो वैसे भी ठीक। तो ये उदाहरण मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिए हैं कि आप इसकी गंभीरता को समझ लें। अपने जीवन में जो एक बड़ी गलती हम कर रहे हैं, भूल कहना चाहिए उसको, गलती नहीं है, गलतियों का तो सुधारा होता है, भूल सुधरती नहीं, तो बड़ी भूल कर रहे हैं वो एक ही है, हमने नमक अपने घर में ले आया, आयोडीन युक्त टीवी का विज्ञापन देखते, रोज टीवी हमें उल्लू बना रहा है, आयोडीन युक्त नमक खाओ नहीं तो पागल हो जाओगे, घेंगा हो जाएगा। मैं देश में 12 साल से घूम रहा हूँ, कोई एक पेशेंट मुझे मिले जिसने आयोडीन युक्त नमक नहीं खाया और उसको घेंगा हुआ हो, मिला नहीं आज तक। सरकार को बार बार मैं कहता हूँ भाई मुझे दे दो, फोकट में ठीक करूंगा, जिनको आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से घेंगा हुआ ऐसे पेशेंट मुझे दे दो, मैं मेरे खर्चे से मेरे पैसे से उनका ट्रीटमेंट करूंगा, ठीक करूंगा। एक भी मरीज सरकार मुझे नहीं दे पाई। मैंने सरकार से लिस्ट मांगी कि दे दो मुझे एक सूची, किस किस गांव में कौन कौन आदमी है जिसको आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से घेंगा हुआ, आज तक सूची नहीं आई। हाँ, भारत में जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल, ये पहाड़ के कुछ राज्य हैं, वहां जरूर मैंने कुछ मरीज देखे हैं जिनको आयोडीन की कमी से घेंगे की समस्या है। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात, 3 राज्य हैं और इन राज्यों के नजदीक में कुछ हो सकते हैं। मैंने 3 राज्य मेरी आंखों से देखे हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। इन 3 राज्यों में पहाड़ पर ऊंचाई पर रहने वाले कुछ लोगों में आयोडीन की कमी है शरीर में, तो उनको घेगा है वो समझ में आता है, लेकिन पहाड़ से नीचे उतरकर मैदानों में रहने वाले किसी आदमी को ये कमी नहीं है, हो नहीं सकती। कारण जानते हैं क्या, पहाड़ों की ऊंचाई पर जो वनस्पतियां पैदा होती हैं, जो सब्जियां पैदा होती हैं, जो दालें पैदा होती हैं, उनमें प्राकृतिक रूप से आयोडीन कम है, और मैदानों में जो सब्जियां और दालें पैदा होती हैं उनमें प्राकृतिक रूप से आयोडीन भरपूर है। मैं आपको चेन्नई के बारे में कह सकता हूँ, चेन्नई में आधा कटोरी दाल आप खा लो, पकी हुई दाल सांभर के रूप में चाहे रसम के रूप में, आपके एक दिन की आयोडीन जितनी चाहिए उतने में ही पूरी हो जाती है। आधा कटोरी दाल मात्र खाने से एक दिन के आयोडीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है। चेन्नई में, बेंगलोर में भी यही हाल है, हैदराबाद में भी यही हाल है। अगर पहाड़ में जाएंगे तो वहां थोड़ी जरूरतें नहीं हो पाती। तो मेरा सरकार को बार बार ये कहना है कि भाई पहाड़ों में अगर ये कमी ज्यादा है तो उनको खिलाओ आयोडीन युक्त नमक, हमको क्यों खिला रहे जबरदस्ती, हम तो सभी दाल खाने वाले लोग हैं, आधी कटोरी दाल आप में से कौन है जो रोज नहीं, चाहे सुबह चाहे शाम, सभी खाते हैं, हम सब शाकाहारी हैं, बिना दाल के जिंदा नहीं रह सकते, तो हम सबको तो आयोडीन की कमी है नहीं, फिर जबरदस्ती हमको क्यों खिला रहे हो ये आयोडीन युक्त नमक। और अतिरिक्त आयोडीन जो शरीर में आया ये क्या खुराफात करेगा कोई बताता नहीं। आपको जानकारी देना चाहता हूं,
कि जरूरत से ज्यादा आयोडीन अगर शरीर में जमा हो तो इसकी सबसे पहली खुराफात है ये आदमी को नपुंसक बनाता है। जिनके खून में जरूरत से ज्यादा आयोडीन आ जाती है वो कभी भी बच्चा पैदा कर नहीं सकते। स्त्री हो या पुरुष दोनों ही नपुंसकता में जाते हैं अगर जरूरत से ज्यादा आयोडीन आ जाए। इतनी खतरनाक बीमारी जिस आयोडीन की अधिकता से आती हो वो पूरे देश में टीवी चैनलों पर कभी नहीं बताया जाता। आधी बात बताता है टीवी चैनल आयोडीन युक्त नमक खाओ, लेकिन ये आधी बात और बताने की जरूरत है कि आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा आयोडीन है तो मत खाओ, नहीं तो नपुंसकता में चले जाओगे। अधूरा ज्ञान खतरनाक। और इसी के चक्कर में मैं देख रहा हूं पिछले कई वर्षों में हमारे देश में लोगों में नपुंसकता बढ़ रही है। शादी को 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे। वो आते हैं सिर पटकते हैं मेरे पास, क्या करें कैसे करें। उनको छोटा सा ज्ञान अगर कोई 10 साल पहले दे देता कि भैया आयोडीन युक्त नमक मत खाओ, सेंधा नमक खाओ, काला नमक खाओ, तो वो यहां तक पहुंचते नहीं, उनको शादी के पहले दूसरे साल में ही बच्चे हो जाते। तो विषय की गंभीरता को आप समझिए कि हम कितनी बड़ी गलती में या भूल में फंस गए टीवी के विज्ञापन में फंसकर। और टीवी में विज्ञापन कौन कंपनियां कर रही हैं? वो कंपनियां जो 15 पैसे किलो के नमक को 7 रुपए 10 रुपए किलो बेच रही। आप जानते हैं समुद्र के पानी से नमक बनाना 15 पैसे किलो का खर्च आता है, क्योंकि समुद्र का पानी फोकट का है, टैक्स फ्री है, कॉस्ट फ्री, और उसके ऊपर पड़ने वाला सूरज का प्रकाश वो भी टैक्स फ्री है और कॉस्ट फ्री है। नमक बनाने में मशीन कोई लगती नहीं, आप जानते हैं। समुद्र का पानी एक खेत में हम इकट्ठा करते हैं, सूरज की धूप उस पर गिरती है, पानी बाष्प बन के उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है, यही है ना। इसमें ना कोई मशीन लगती है, ना बिजली लगती है, ना बिजली ना मशीन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम है, 15 पैसे किलो का खर्चा आता है। अब ये 15 पैसे किलो का नमक आपके घर तक आते आते 7 रुपए किलो कैसे हो जाता है? ये उन लूटखोर कंपनियों का सारा तंत्र है सरकार के साथ मिलकर कि आपकी जेब में से पैसे खींच लें। जितनी कंपनियां नमक को आयोडीन युक्त करके बेच रही हैं या आयोडीन युक्त नमक के, वो सब लूट रही है आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना नहीं लूटा उससे ज्यादा लूट रही, वो चाहे भारत की हो या विदेशी। 15 पैसे किलो की चीज 7 रुपए किलो, हिसाब लगाओ ना गणित का, 15 पैसे किलो की चीज 30 पैसे किलो अगर आप खरीदो तो मुनाफा 100% हो गया, और 15 पैसे किलो की चीज 1.5 रुपए किलो खरीदो मुनाफा 1000% हो गया, और 15 पैसे किलो की चीज 3 रुपए किलो खरीदो मुनाफा 2000% हो गया, और 15 पैसे किलो की चीज 6 रुपए किलो खरीदो मुनाफा 4000% हो गया, और 15 पैसे किलो की चीज 7 रुपए किलो खरीदो 5000% का मुनाफा आपकी जेब से निकाला जा रहा है नमक के नाम। और नमक की मजबूरी क्या है? ये एक ऐसी वस्तु है जो सबको चाहिए, कंजम्पशन बहुत अधिक है, लाखों करोड़ों टन में हम इस्तेमाल करते हैं हर साल, तो मुनाफा भी कितना होगा जरा सोचो। 1 किलो का मुनाफा 15 पैसे से 7 रुपए, तो करोड़ों टन, लाखों करोड़ों टन नमक हर साल बिक रहा है, हजारों लाखों करोड़ों रुपए लूट रहे हैं कुछ लोग आपको उल्लू बना। तो मैं चाहता हूं आप इस लूट से भी बचो और इस नमक से भी बचो। एक तो नमक जो दे रहे हैं वो बीपी बढ़ाने वाला, तकलीफें पैदा करने वाला, शरीर में विकृतियां और दोष पैदा करने वाला, ऊपर से इतना महंगा, हमारे पैसे खींच कर ले जाते। तो ये जो साजिशें चल रही हैं, ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं पूरे देश में अलग अलग तरीके, मुझे लगता है कि कोई बड़ा षड्यंत्र शायद इस देश के साथ हो रहा है कि सबको आयोडीन युक्त नमक खिलाते जाओ, 5 साल 10 साल 15 साल में सबकी आयोडीन शरीर में ज्यादा हो जाए, नपुंसकता पूरे देश में बड़े पैमाने पर हो जाए, बच्चे ही पैदा ना हो इस देश में, तो विदेशी आकर फिर कब्जा कर ले इस देश में अधिक जनसंख्या के।
आपकी जनसंख्या घटती जाए और दूसरों की बढ़ती जाए। आपको सुनकर हैरानी होगी, आयोडीन युक्त नमक भारत देश में आने से पहले यूरोप और अमेरिका के खंड के 40 देशों में चल चुका है और वहां की सरकारों ने उसको पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है, बैन कर दिया। यूरोप के देशों में सबसे पहले एक देश है जिसका नाम है जर्मनी, इसने आयोडीन युक्त नमक शुरू किया। आयोडीन युक्त और एक्स्ट्रा फ्री फ्लो, आप सुनते हैं ना टीवी में, एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक है और आयोडीन युक्त भी है। ये एक्स्ट्रा फ्री फ्लो क्या है, नमक में हमेशा नमी रहती है, नमी पानी के कारण रहती है। नमक की एक विशेषता है कि वो हर तरफ से पानी को खींचता है। सूखा हुआ नमक यहां खोल के रख दो, कल देखना वो सब गीला हो जाएगा। कहां से हो गया, वातावरण में जो मॉइस्चर है उसको नमक खींचता है। अगर कोई नमक पानी को खींचेगा तो वो एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नहीं हो सकता, सूखा नहीं होगा, सूखा नहीं होगा। होनी चाहिए वो ये कि नमक जो है पानी को खींचता है, उसका गुण धर्म है, खाली रख दो गीला हो जाएगा। अब ये पानी को खींचने का जो गुणधर्म है, इसके कारण नमक को जब पीसेंगे तो थोड़ी नमी रहने वाली है। यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने खुराफाती दिमाग लगाया कि ये नमक में नमी नहीं रहनी चाहिए। क्यों, अगर नमी है तो ये ऐसे करके किसी पे इसको छिड़क नहीं सकते, गुरका नहीं जा सकता। यूरोप और अमेरिका की खासियत क्या है वो हमें जाननी चाहिए, उनकी अपनी समस्या है जिसका समाधान करने के लिए ये तमाशा किया। वहां सब्जी कोई घर में बनाता नहीं है, दाल कोई पकाता नहीं है, सब्जी बनी बनाई डिब्बे में आती है। ये आप सभी जानते हैं, अमेरिका यूरोप के देशों में, कनाडा जैसे देशों में जो अपने को बहुत विकसित कहते हैं, वो ताजा बनी हुई सब्जी नहीं खाते क्योंकि सब्जी बनाना नहीं आता किसी। कितने गरीब लोग हैं, सब्जी बनाना नहीं आता। हिंदुस्तान के घर घर में 10 साल के किसी भी बच्चे को जो काम आता है वो यूरोप के बड़े बड़े लोगों को नहीं आता, सब्जी बनाते कैसे हैं। कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सारी दुनिया का तामझाम करने वाले हेड्रोन कोलाइडर बनाने वालों को सब्जी बनाना नहीं आता। अच्छा, सब्जी बनाना आता क्यों नहीं है, कारण है कि सब्जी होती भी नहीं है। ज्यादातर देशों में सब्जी के नाम पे या तो बटाटा है, आलू और कांदा, बाकी कुछ है नहीं। तो सब्जी बनाने के नाम पे कुछ है नहीं, प्रकृति ने दिया भी नहीं है, उनको आता भी नहीं। तो सब्जियां वो दूसरे देशों से खरीदते हैं, बना बना के पैकेट में बेचते हैं। अब सब्जी बनी हुई पैकेट में डाली जाएगी तो उसको सुरक्षित रखने का एक ही आधार है, नमक ना डाला जाए उसमें। नमक डल गया तो वो पैकेट बेकार हो जाए। तो बिना नमक की उबली हुई सब्जी पैकेट में बन जाती है यूरोप और अमेरिका में। जब वो खाने के लिए बैठते हैं, प्लेट पर निकालते हैं, तो ऊपर से नमक डालते हैं। अब ऊपर से नमक डालना है तो उनको नमक ऐसा चाहिए जो फ्री फ्लो हो, चारों तरफ गिरे। और नमक की विशेषता है कि उसमें पानी रहेगा, थोड़ा मॉइस्चर रहेगा। तो उन्होंने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए नमक को एक्स्ट्रा फ्री फ्लो बनाया और उसके लिए बीसीओ केमिकल डाल दिए उसमें। अब वो नमक नहीं रहा, केमिकल का भंडार हो गया, कई तरह के रसायन उसमें डाल दिए नमक को एक्स्ट्रा फ्री फ्लो बनाने के लिए। अब उन्होंने देखा कि उनके यहाँ ये नमक चल पड़ा, उस नमक में से समस्याएं शुरू हो गई। आयोडीन युक्त किया और समस्याएं शुरू हो गई। जर्मनी में बड़े पैमाने पर लोगों में नपुंसकता फैली, फ्रांस में, ब्रिटेन में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में बच्चों के पैदा होने का जो ग्रोथ रेट है वो कम होने लगा। तो बड़ी खोजें हुई कि भाई ये क्या चक्कर हो गया, हमारे यहाँ अचानक से बच्चे पैदा कम होने लगे क्यों। तब वैज्ञानिकों ने खोज के बनाया कि ये अतिरिक्त आयोडीन का कमाल है। तो धड़ाधड़ सरकारों ने उसको बैन किया फिर कि नहीं चाहिए, फिर हमको सादा नमक ही चाहिए। अब उन्होंने तो बंद कर दिया, ले दे के हमारे ठोक दिया हिंदुस्तान के माथे। अब हिंदुस्तान के नेता तो सुभान अल्लाह।
वो आपने पता नहीं हिंदी या उर्दू की कहावत सुनी है, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्ता क्या है। एक ही उल्लू बहुत होता है समाज को बर्बाद करने के लिए, और हमारे यहाँ उल्लुओं की फौज इकट्ठी होके राजनीतिक पार्टी बना लेती है, फिर वही मंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उनको बहुत सारी चीजों से कुछ लेना देना नहीं, एक ही चीज से लेना देना, पैसा और कुर्सी। ये कुर्सी मिल गई तो अब इसको टिका के कैसे रखना है, अगली बार इसको बचा के कैसे रखना है, इसके लिए पैसे खर्च करने हैं तो पैसे लाने कहाँ से हैं, फिर खर्चा कैसे। तो चुनाव का सारा खेल ये है, पैसा बनाना, कुर्सी लाना, कुर्सी पे बैठना, फिर पैसे बनाना, फिर कुर्सी लाना। तो ऐसे नेता है, उनके ऊपर किसी ने कह दिया भाई बहुत अच्छा आयोजन है, नमक भारत में लगा दो, तो लगा दिया हमारे नेता, और लगा ही नहीं दिया, कानून बना दिया कि जो बिना आयोडीन का नमक खाएगा उसको जेल भेज दिया जाए। ऐसे मूर्खों के मूर्ख नेता हमारे देश में। कानून ऐसा भी बना दिया कि जो बिना आयोडीन का नमक बेचेगा दुकान में उसको भी जेल में डाल देंगे। इन मूर्खों ने थोड़ा भी नहीं सोचा कि 1930 के पहले इस देश में कोई आयोडीन युक्त नमक नहीं था, समुद्र के पानी का ही नमक नहीं था, आयोडीन युक्त नमक की तो बात ही छोड़ दो, और लोग ज्यादा स्वस्थ थे। जब से ये समुद्र के पानी का नमक आया घरों में ज्यादा बीमारियां आई हैं। ऐसे हमारे नेता, अब इसमें घुस क्या गया सारा खेल कि जो नमक को 15 पैसे किलो से 7 रुपए 10 रुपए किलो बेचने वाली कंपनियां उनको मुनाफे कमाने हैं, उसमें बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, भारत की भी कुछ देशी कंपनियां हैं, उनको अपना धंधा चलाना है, नेताओं को उसमें से थोड़ी घूस और रिश्वत देकर अपनी व्यवस्था को टिकाए रखना है। तो नेता और भ्रष्ट कंपनियों का गठजोड़, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट कंपनी, भ्रष्ट अधिकारी ये बन गया, तो चला दिया पूरे देश में आयोडीन युक्त नमक। आपको सुनकर हैरानी होगी, मेरे जैसे बहुत लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, सड़क पे भी और अदालत में, कई संस्थाएं हैं जिन्होंने इनके खिलाफ मुकदमे किए हुए और उनके फैसले भी आए। एक इतना अच्छा फैसला आया महाराष्ट्र हाई कोर्ट का कि जबरदस्ती सरकार किसी को आयोडीन युक्त नमक नहीं खिला सकती, किसी की इच्छा है तो खाए, नहीं है तो वो अपना दूसरा नमक खाए। तब से ये कंपल्शन हटाया उन्होंने क्योंकि कोर्ट का फैसला आया। अभी थोड़े दिन में सुप्रीम कोर्ट का भी आने वाला है इसी मामले में फैसला, क्योंकि एक मुकदमा वहां चल रहा है, तो फैसला आएगा तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन सरकारें कितनी खतरनाक है आप जरा सोचिए, जिनको आप बना रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वो सरकारें ही आपको खतरे में डाल रही। तो आपको तो मेरी एक ही छोटी सी विनती है, इतनी सब राम कहानी सुनाने के बाद घर का नमक बदलिए। ये कहानियां इसलिए सुनानी पड़ती है कि दिमाग बदलना आसान काम नहीं होता, एक रास्ते पे आदमी चल पड़े ना तो उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो उसको कई तरह से कन्विंस करना पड़ता है, बताना पड़ता है, जानकारियां देनी पड़ती है, तब जाके वो एक छोटा सा फैसला करता है, हाँ आज से मेरे घर में सेदा नमक ही आएगा या काला नमक ही आएगा। तो आप तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपना फैसला तो आप आज कर ही लो, और मेरी एक छोटी सी विनती है कि आपके पड़ोसी हैं, परिवार के मित्र हैं, परिचित हैं, उनको भी ये बोलना शुरू कर दो, भैया नमक लाना तो सेदा लाना, काला लाना। अब आप कहेंगे थोड़ा महंगा है, तो जीवन से महंगा कोई सौदा नहीं। 10 रुपए किलो का अगर सेंधा नमक खाना पड़ता है मान लो, या 10 रुपए किलो का काला नमक खाना पड़ता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं, लाखों रुपए के आपके खर्चे बच जाते हैं, तो क्या बड़ा सौदा है। और सेंधा नमक महंगा एक ही कारण से हुआ, भारत का बंटवारा जो हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, हमारे नमक के पहाड़ पाकिस्तान के कब्जे में चले गए, वरना ये सेंधा नमक तो सबसे सस्ता बिकता रहा। आप यहाँ कई बुजुर्ग बैठे हैं, आप याद करिए आपके जवानी के दिनों में शायद रुपए में 5-7 सेर या 10 सेर नमक बिकता होगा। मेरे दादाजी बताते हैं 5-7 पैसे किलो में मिल जाता था सेंधा नमक, काला नमक। ये महंगा तब से हुआ जब से पहाड़ पाकिस्तान के कब्जे में गए हमारे हिस्से, तो महंगा हो गया। और अभी महंगा और इसलिए है कि ये इम्पोर्ट करके लाना पड़ता है, पहले एक ही देश में मिलता था अब दूसरे देश से लाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा महंगा हुआ।
तो थोड़ा महंगा है तो भी मैं मानता हूँ, आपके स्वास्थ्य की कीमत पर तो वो इतना महंगा नहीं पड़ेगा। आप उसको लाते जाइए घर में, सीधा नमक लाइए, काला नमक लाइए, और फिर इस नियम में आप चाहे तो छूट ले सकते हैं कि दूध के साथ नमक की चीज भी लेनी पड़े तो सेंधा नमक और काले नमक की कोई भी चीज ले सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, कल या परसों कहा था कि शाम को भोजन के तुरंत बाद दूध पिए, दोपहर को भोजन के तुरंत बाद लस्सी या मट्ठा पिए, और सवेरे भोजन के तुरंत बाद जूस पिए, फलों के रस पिए। तो बहुत लोगों के मन में प्रश्न रहा होगा कि अगर हम दूध पी रहे हैं तो नमक की चीज खा रहे हैं, आयुर्वेद तो मना करता है नमक और दूध का। तो ध्यान ये रखें कि जो वस्तुएं नमक की आप बनाएं वो सेंधा नमक और काले नमक की बनाएं, उसके साथ दूध पी। दही मट्ठा या छाछ या तक्रम जो ले रहे हैं वो सेंधा नमक और काला नमक डाल कर लें, ताकि जीव हिंसा भी ना हो और आपके शरीर के लिए भी अनुकूल हो। सब्जियां बनाएं सेंधा और काले नमक में, दालें पकाएं सेंधे और काले नमक में, फिर उसके साथ दूध भी लेना संभव है, दही में भी वो डाल के खाना संभव है। तो ये हमेशा से आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। कल साध्वी जी ने आपको एक बात कही थी कि कम से कम मिट्टी के बर्तन तो सबके घर में आ जाए। आज साध्वी जी अगर अपने प्रवचन में ये कहेगी कि आज से आपके घर में सेंधा नमक